बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर दोस्तों। महिलाओं को अक्सर प्रेगनेंसी कंसीव करने में या तो ज़्यादा समय लगता है या फिर अब तक वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं। प्रेगनेंसी ना कंसीव करने के पीछे तो कई कारण होते हैं, लेकिन कई बार वो कारण नहीं भी होते हैं और महिलाओं की इन छोटी छोटी गलतियों के कारण भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। जैसे कि एग और सेल्स आपस में नहीं फर्टाइल हो पाते हैं, मिल ही नहीं पाते हैं। इसके पीछे शायद एक कारण ये होता है कि जो सेल की मोर्टैलिटी है वो कम है। अब मोर्टैलिटी को बढ़ाना कैसे है, तो वो तो पुरुष अपने डाइट के अनुसार करेंगे, लेकिन अगर मोर्टैलिटी भी सही है तब भी क्यों नहीं कंसीव हो पा रहा है, तो आपको सिर्फ एक ये काम करना है। पहला तो आपको अपना ओवुलेशन ट्रैक करना है, ये जानना है कि एग रिलीज़ किस दिन होता है, महीने के बीच के दिनों में होता है या फिर अर्ली ओवुलेशन होता है या फिर लेट ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन जानने का एक और उपाय ये है कि आप ओवुलेशन किट का इस्तेमाल कीजिए, या दूसरा अपने ओवुलेशन के लक्षण को पहचान के ये जानिए कि आप ओवुलेट कर रही हैं या नहीं। तो सबसे पहला ये हुआ कि अपना ओवुलेशन ट्रैक करना। ओवुलेशन के दिन में ही रिलेशन रखने पर आप कंसीव कर पाती हैं, तो ओवुलेशन के दिनों में क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये है कि ध्यान देना है कि ओवुलेशन के आसपास के दिन फर्टाइल डेज कहलाते हैं। तो सिर्फ ये नहीं ध्यान दें कि ओवुलेशन के दिन में आप कंसीव कर लीजिएगा, फर्टाइल डेज में भी आपको ट्राई करना है। फर्टाइल डेज यानी कि ओवुलेशन मान लेते हैं कि 15 तारीख को होने वाला है, तो उसके 3 से 4 दिन पहले और 3 से 4 दिन बाद ये फर्टाइल डेज कहलाते हैं। इन फर्टाइल डेज में ऑल्टरनेट डेज पर भी आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर सकते हो या फिर रोज़ भी कर सकते हो। तो इसलिए आपको फर्टाइल डेज को ज़रूर उपयोग में लाना है। ओवुलेशन के दिनों में जब आप कंसीव करने के लिए ट्राई करते हो, तो उसके बाद सबसे ज़रूरी काम यह है कि आपको करना है लेग अप दी वॉल पोजीशन। ये लेग अप दी वॉल पोजीशन करने से कई महिलाओं को अगर ये कन्फ्यूजन होता है कि सब कुछ फॉल आउट हो जा रहा है या आउट हो जा रहा है, तो उन महिलाओं में ये आउट होने की समस्या से बचेंगी वो, यानी कि जो हेल्दी है सेल वो जाके मीट होगा एग से, तो परेशानी नहीं रहेगी, और अनहेल्दी जो सेल है वो अपने आप बाहर निकल जाएंगे। तो हेल्दी सेल की वो मोर्टैलिटी मिलेगी, गति मिलेगा, स्पीड मिलेगी, यानी कि हेल्दी जो सेल है वो स्पीड अप में बूस्ट होगा और एग से जाके फर्टाइल होगा। लेग अप दी वॉल पोजीशन आपको अपने रिलेशन के 10 मिनट तक करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मोर्टैलिटी को बढ़ाने में, स्पीड को बूस्ट करने में, तो एग से जाके मीट करवाने में सेल को लेग अप दी वॉल पोजीशन करवाना है। अब ये कि अगर फिर भी आउट होने की समस्या हो रही है, तो आप 5 से 10 मिनट के लिए मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग कर सकती हैं, इंसर्ट कर सकती हैं प्राइवेट एरिया में, जिससे कि जो भी सेल्स है उसमें कलेक्ट होते रहे और जो हेल्दी सेल है वो जाके एग से जाके मीट करे और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को पूरा करे। तो ये जो ज़रूरी 2 बातें हैं, ये आपको फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाएँ। ज़रूरत हो तो इंस्टाग्राम पर DM ज़रूर करें। धन्यवाद।